शायद कोई मजबूरी रही होगी, नहीं तो वाला इतनी सुंदर बच्ची को कोई माँ कैसे छोड़ सकती है। सैनिकों जी महाराज, 100 महल को लेके चलो। जो आज्ञा महाराज। लक्ष्मी रूपी उस सुकन्या का राजा जनक ने अपनी पुत्री के समान पालन पोषण किया। नियति ने जानकी और राम का मिलन होना तय किया। दुर्भाग्यवश जानकी और राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। भारत भारत शाम दे शाम दे माते, इस बालक का प्रणाम स्वीकार करें और से कुछ भिक्षा प्रदान करें। साधु महाराज, आप श्रेष्ठ कह हैं, ऐसे में आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं और फिर आप हमारे सामने बालक कैसे हो सकते हैं? मैंने आपको माता कहकर संबोधित किया है, इसलिए आपको प्रणाम किया है। और भला जैसे आप माता मानते हैं तो आप उसके बालक ही हुए, फिर मैंने इसमें क्या गलत कहा माता? ठहरिए साधु महाराज, ये क्या, ये राम की अर्धांगिनी नहीं हो सकता। आखिर ये कैसे हो सकता है? सीता तो लक्ष्मी की अंश है, लेकिन ये तो कोई और है। तुम वेदवती हो, राम ने मुझे धोखा दिया है। लाइए माते दीजिए। Ha ha ha!
महाराज की जय हो। महाराज, अयोध्या के राजकुमार राम का दूत आपसे मिलने के लिए आया है। उसको अंदर भेज दो। जो आ गया महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, मैं किष्किंधा नरेश वाली का पुत्र अंगद हूँ और यहाँ पर मैं अपने प्रभु श्री राम का दूत बनकर आया हूँ, परंतु मेरा संदेश दो महान वीरों के लिए है। लेकिन पहले आप यह तय करें कि पहले संदेश मैं किसको दूं। आर्य, पहले आप उन दो वीरों का नाम तो स्पर्श करिए जिसके लिए संदेशा लाए हैं। महाराज, मैं एक संदेशा लंका के उस अधिपति रावण के लिए लेकर आया हूँ और दूसरा संदेशा आचार्य रावण के लिए है जिसके पास ज्ञान का प्रकाश पुंज है, जो इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ पुरोहित है, परंतु जिसकी ज्ञान की तुलना तो तीनों लोकों में किसी से नहीं की जा सकती है। बताओ अंगद, मेरे लिए क्या संदेश है? अरे, यहाँ तो लंका के नरेश रावण हूँ। नहीं अंगद, मैं तो आचार्य रावण हूँ। बताओ मेरे लिए क्या संदेश है तुम्हारे स्वामी से? अरे लंकेश्वर, मेरे स्वामी श्री राम ने लंका के उस अधिपति रावण को युद्ध में पराजित करने का प्रण लिया है। वे चाहते हैं कि उनके इस प्रयास में भगवान शिव उनका साथ दें और भगवान शिव को आमंत्रित करने की शक्ति पूरे आचार गणों में सिर्फ आपके पास है। आप ज्ञानी हैं और शिव जी के भक्त भी हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारे स्वामी की इच्छा को पूरी विधि विधान के साथ संपन्न करेंगे। अंगद, लगता है तुम सही स्थान पर आए। यदि किसी और भगवान की पूजा और स्थापना के लिए मेरे पास आए होते तो शायद मैं इनकार कर देता, लेकिन तुम तो मेरे आराध्य, मेरी शिव की पूजा के लिए मेरे पास आए। मैं जरूर आऊंगा। अंगद, तुम जाओ और बताओ अपने स्वामी को कि कल सवेरे पहले प्रहर में सूर्योदय से पहले मैं सागर के उस पार उपस्थित हो जाऊंगा। जैसी आज्ञा महाराज। जय श्री राम। कंभ रामायण राम की शक्ति पूजा का बड़ा ही रोचक प्रसंग प्रस्तुत करता है। यहाँ
विष्णु के द्वारपाल के रूप में रावण, शेषनाग के रूप में लक्ष्मण, लक्ष्मी स्वरूपी सीता और स्वयं नारायण के अवतार राम। कैसा रहा होगा वो अध्याय? ओम नमः शिवाय। हे शेषनाग स्वरूपी लक्ष्मण, तुम व्यर्थ में ही चिंता करते हो। तुम्हारा युद्ध तो लंकापति रावण से है। मैं तो आचार्य रावण हूं। मेरा तो बस यही धर्म है कि अपने यजमान की पूजा विधि विधान से संपन्न कराओ। हे आचार्य, आपने हमारा पूजन विधि और विधान से संपन्न कराया है, यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन मेरे मन में संकोच है कि मैं अपने आचार्य को दक्षिणा ही नहीं दे पा रहा हूं। भला मैं वनवासी राम आपको क्या दे सकता हूं? यजमान, आपके पास क्या नहीं है जो आप नहीं दे सकते हैं? भला मैं आपसे क्या मांग सकता हूं? मुझे तो सब कुछ पहले से ही मिला हुआ है। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो इस बात का आश्वासन दीजिए कि जब मेरी मृत्यु हो तब मेरे यजमान मेरे सामने हो, मेरे पास में हो, बस यही मेरी दक्षिणा होगी। जय श्री राम, जय माता दी।
प्रभु आप तो जानते हैं ना ये युद्ध किसने जीता। मैंने ही ये युद्ध जीता है प्रभु। मैंने ही अपने प्रभु का वरण किया है। हार कर भी मैं आपका हो गया प्रभु। प्रभु प्रीति दो प्रकार की होती है। पहली वो जिसमें प्रेम होता है, ऐसा प्रेम कि अपने प्रेमी के सिवा दुनिया में और कुछ नजर नहीं आता। लेकिन प्रभु एक प्रीति और होती है, शत्रुता की प्रीति। ऐसी शत्रुता कि अपने शत्रु को अपने प्रेमी से ज्यादा याद किया जाए। मैंने आपके साथ वही किया है प्रभु। मैंने आपको प्रेमी से ज्यादा शत्रु के रूप में वरण किया है, ताकि ताकि मैं आपको प्रेमी से ज्यादा शत्रु के रूप में याद कर सकूं। प्रभु ये युद्ध मैंने जीता है प्रभु। मैंने बाबन एक अपराजित योद्धा। जानते हुए भी उसने प्रभु श्री राम का वरण किया। आप लोगों ने इतनी देर हमें अपना प्यार दिया, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आपका प्यार और चाहिए हमें, ताकि हम अपने बीच